अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ। जी मैं बात कर रहा हूँ हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क की, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ज़बरदस्त इसका रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं, हिल्स हैं, ग्रीनरी है, और डैम के आसपास तो बहुत ही अमेजिंग सीनरी है, वाइल्ड लाइफ है और बहुत कुछ है। और वहाँ पर फैमिली के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, फिशिंग के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर कोई फिशिंग, बहुत ज़बरदस्त जगह है फिशिंग के लिए। इस जर्नी में पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, रास्ते की खूबसूरती दिखाएंगे, पहाड़ दिखाएंगे, ग्रीनरी दिखाएंगे, वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे। मैं आपको ये बताऊँ कि जिन लोगों ने अब तक हब डैम नहीं देखा, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करके रखा है। ख़ास तौर पर जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो व्यूअर्स मैं आपको क्या बताऊं कि आपको वीडियोस में और पिक्चर्स में उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं हो सकता। इतना ह्यूज डैम है, इतना ह्यूज उसका एरिया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, ग्रीन और ब्लू वाटर है, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरी जगह, आपको देखने में जो उसकी फर्स्ट फील आती है ऐसा लगता है कि आप एक समंदर के किनारे खड़े हैं। इतना ज़्यादा बड़े एरिया में आपको ये डैम मिलता है, एरिया बहुत खूबसूरत है, नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं, और मौसम अगर अच्छा हो जैसे आजकल है तो फिर तो आप समझे कि आपकी जो पिकनिक है और जो आपका विजिट है उसका जो लुत्फ़ है वो दुबला हो जाता है। तो चले आज की इस एक्साइटिंग जर्नी में आप मेरे साथ चलें और देखें मेरे साथ। पैरियर टाउन के मेन गेट से बाहर निकले और अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए सीधा बाहर आ गए मोटरवे M9 पर। नॉर्दर्न बाईपास फ्लाईओवर से राइट टर्न करने के बाद नॉर्दर्न बाईपास का रोड स्टार्ट हो जाता है। इस रोड पे हम सफ़र करेंगे तकरीबन 22-23 किलोमीटर, जिसके बाद फिर सीधे हाथ पे आपको टर्न मिलेगा जो कि हब डैम की तरफ जाता है, और इस रोड को हब डैम रोड कहते हैं। हब डैम रोड पे आने के बाद हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी है। हमें रोड क्रॉस करते हुए यहाँ पर एक मॉनिटर लिजर्ड भी मिला जो कि काफ़ी बड़े साइज का था, और हमने कोशिश की कि उसको हम कैमरे में रिकॉर्ड करें। इस रोड की कंडीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर रोड थोड़ी बहुत ख़राब है या टूटी हुई है,
अदरवाइज हब डैम तक ये रोड बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा है और बाइक्स पे और गाड़ी पे दोनों पे जाया जा सकता है इजीली। आप यकीन करें इस रोड पे ड्राइव करते हुए मैं हैरान हूँ इसकी खूबसूरती देख के। मेरे सीधे हाथ पर, मेरे दाएं, मेरे बाएं इतने खूबसूरत नज़ारे हैं और ऐसे पहाड़ हैं, इतने लश ग्रीन, बारिशों की वजह से लश ग्रीन होने में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में सफ़र कर रहा हूँ, जबकि कराची से सिर्फ 30-40 किलोमीटर है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। हब डैम को आप देखें अपनी आंखों से जाकर तो यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा डैम, इतना बड़ा पानी का रिजर्व, आपको ऐसा लगता है कि आप एक समंदर के सामने, किसी ओशन के सामने खड़े हैं। और बहुत ही कमाल जगह है ये, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनको वंस इन अ लाइफ टाइम यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इतना बड़ा डैम है कि हम इस रोड पे गाड़ी जो है लेके चले जा रहे हैं और ये रोड ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, और डैम के साथ साथ हम ड्राइव कर रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो इतना खूबसूरत नज़ारा है, सामने पूरी वैली है और पूरी वैली ग्रीन नज़र आ रही है मुझे और पहाड़ नज़र आ रहे हैं।
अच्छा रेस्ट हाउस ये बना हुआ है और वापदा वालों को ये रेस्ट हाउस है। अगर आपकी वापदा में किसी से जान पहचान है तो फिर आप इस रेस्ट हाउस में रह सकते हैं, इसको बुक करवा सकते हैं। रेस्ट हाउस से तकरीबन आप 1.5 या 2 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर पिकनिक के पॉइंट्स मिलेंगे, फिशिंग के पॉइंट्स मिलेंगे और रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। हमें यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्पॉट नजर आया जहाँ पर फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे और फिर यहाँ पर बैठ के एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे। रास्ते से मैंने लिया था KFC, क्योंकि निकलते भी इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ कुकिंग घर पे करवा लेता, तो डिसाइड किया कि KFC ले लेते हैं ताकि टाइम भी बचे, और उसको अच्छी तरह से पैक कर लिया ताकि वहाँ पहुँचने तक वो ताज़ा भी रहे।